सर मुझे डाउट बताओ था, क्वेश्चन बताओ। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ उसका। लिमिट का ही क्वेश्चन था, उसमें समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, उससे मैंने लाइक 2 sin² θ/2 में कन्वर्ट किया, पहले लेकिन क्वेश्चन बोलो पूरा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, उससे मैंने कन्वर्ट अरे रुक तो जाओ, उसे मैंने को बाद में बोल लेना, मैं क्वेश्चन लिख लूं पहले। अरे सॉरी। हाँ आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो। तो मैंने इसे 2 sin² θ/2 में कन्वर्ट किया, बट नहीं हुआ, कोई बोला। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स यहां से कॉमन ले लो, 1 अपॉन cos x - 1 अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos x / cos x अपॉन क्या है एक्स क्यूब ये आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ बोलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? साइन एक्स और यहां से एक एक्स इसमें से ले लो तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या है, 1 - cos x, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर और ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जरा। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट्स में कहीं भी 1 - cos x आता है तो उसको क्या चेंज करना है, 2 sin² x, 2 sin² x, 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 2 sin² x अपॉन में क्या x² इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स ही रहेगा। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर देखो 2, ये sin² x/2 है और नीचे x² है, इस स्क्वायर को इकट्ठा लगाओ इसके ऊपर ऐसे, तो यह नीचे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए इंटू यहाँ 2 होना चाहिए। ये स्टेप बताओ समझ आया क्या, बोलो बच्चों। यस सर, sin² x/2 था, नीचे एक्स स्क्वेयर था, मैंने इसको लिख दिया sin x/2 और नीचे एक्स और पूरे का होल स्क्वेयर लिख दिया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, इनटू
ये जो टू है ये फोर बन जाएगा, ये जो नीचे टू है ये क्या बन जाएगा फोर, क्योंकि टू का स्क्वायर है, और ये जो साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू वन हो गया इंटू वन बाई कॉस एक्स, एक्स को जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो वन होता है, हाफ इसका आंसर आ गया। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कर दो, थैंक यू सर। चलो मैं आगे, यस सर, थैंक यू।